62। कौन सी कैटेगरी? ST। भैया कितना स्कोर आपका? 110। थोड़ा एक्सप्लेन करोगे मैम आपका कितना स्कोर रहा? स्कोर कितना रहा? 76 रहा। भैया आपका कितना स्कोर? बहन कितना स्कोर रहा? पता नहीं है। पता नहीं है। भैया आपका कितना स्कोर? मैम आपका कितना स्कोर रहा? बता नहीं सकते। अच्छा बता नहीं सकते हम। देख लेते भैया कितना स्कोर? 76। मैम आपका कितना स्कोर है? आपका कितना स्कोर है? मैम कितना स्कोर है? आपका कितना स्कोर है? मैम कितना स्कोर है? पोस्ट कर देना। क्या नाम सुना आप? राम हलास्ता। कहाँ से हो? राजगढ़ जिले से हूँ। अच्छा थोड़ा सा इधर। मैथ्स कैसे पूछी? मैथ्स बहुत ईजी थी सर। मैथ्स में क्या क्या पूछा गया? मैथ्स में सर नंबर सीरीज आई, थोड़ा जोर से नंबर सिस्टम, और लघुत्तम आए सर, और उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज ट्रेन में आया, और उस समय तक आ जाए सर। और रीजनिंग में किस पे पढ़ा? रीजनिंग में सर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और वो कैलेंडर कैलेंडर नहीं आया। और इससे अपने कौन वो आया था सर? गाड़ी वाला सर। अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया? नहीं पूछा। पासा वगैरह? पासा आया था सर। अच्छा अब साइंस की बात करें, साइंस में साइंस तो सर मेरी कुछ खास नहीं थी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है थैंक यू भैया। 100। मैथ्स कैसे पूछे? ठीक ठाक था। और रीजनिंग? रीजनिंग वगैरह भी अच्छी थी। रीजनिंग क्या क्या पूछा गया? रीजनिंग में अल्फ़ाबेट से ज़्यादा क्वेश्चन। और इसमें सीटिंग अरेंजमेंट रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा? हाँ सीटिंग अरेंजमेंट से भी थे, 2 क्वेश्चन थे। नाइस। हाँ सिलोजिज्म से? सिलोजिज्म में मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछा? मैथ्स में बस वही कितने दिन में काम करता है व्यक्ति को वगैरह, हाँ टाइम एंड वर्क, हाँ और ब्याज वगैरह से। ब्याज वगैरह से ज़्यादातर क्वेश्चन ब्याज से पूछे गए। हाँ और प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट और लॉस के हाँ परसेंटेज से पूछे। परसेंटेज से पूछे। फ्रैक्शन वगैरह से? फ्रैक्शन से भी पूछे। और इसके बाद क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक दो क्वेश्चन। साइंस की बात करें? साइंस साइंस अच्छा। साइंस में अच्छा। और इसमें हिंदी? हिंदी वगैरह भी अच्छी थी। अच्छा ठीक है सर। बेटी है छोटी सी, हिंदी में अलंकार वगैरह ज़्यादा था। अच्छा। लेब में कितना? रचनाएँ भी थी। लेब में कितना हाई? 130 थी। दीदी कितना स्कोर है आपका? बहन कितना स्कोर? 100। कैसा पेपर था? बहन आपका कितना स्कोर? मैम कितना स्कोर रहा? क्या बताया पेपर कैसा था? अच्छा था पेपर। पेपर दोनों मिलकर बता दो ना, एक्सप्लेन करो मैम। और आ रहे हैं उनके। अच्छा और आ रहे, आप बता दो पहले। 93। भैया कितना स्कोर? 71। आपका मैम? 131। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। क्या नाम सुनना आपको? मैम मेरा प्रियांशी मिश्रा। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं सागर से हूँ बेसिकली, बट यहाँ से प्रिपरेशन कर रही हूँ। बताइए मैथ्स में किस प्रकार का क्वेश्चन? सर मैथ्स बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है। अच्छा मैथ में? हाँ मैथ बहुत टाइम टेकिंग है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे? हाँ नंबर सिस्टम से था, डिविजिबिलिटी रूल से था, और SICI से था सर, और रीजनिंग भी काफ़ी रीजनिंग में, लेकिन 2-3 क्वेश्चन मिस्टेक लग रहे थे क्योंकि आंसर नहीं आ रहे। बाकी साइंस भी, साइंस इन्वायरमेंट से रिलेटेड ज़्यादा। इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे? हाँ हाँ इन्वायरमेंट और ये सेल वगैरह से, कोशिका वगैरह से। और इसकी बात करते हैं ज़्यादा हिंदी में? सर हिंदी में छंद थे और वाक्य अशुद्धि था, कृतवाच्य कर्मवाच्य ये सारे क्वेश्चन थे सर। इसमें इंग्लिश में? सर इंग्लिश में एरर डिटेक्ट वाला था, और इंग्लिश में जंबल्ड सेंटेंस भी आ रहा था। हाँ एंटोनेम सरनेम था, ईडियम फ्रेजेस था सर। और एक्टिव और पैसिव? हाँ एक्टिव पैसिव था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सिंटैक्स से कोई क्वेश्चन था? नहीं। आर्टिकल वगैरह? नो सर आर्टिकल नो नो।
वही जो 15 तारीख से उसका चल रहा है ना, वही है, सेम ही है। नहीं पूछा सर, एक भी नहीं था। आप बात करते हैं इसमें सर, मैं सर कंप्यूटर थोड़ा वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहे, थोड़ा घुमा के, मतलब कि थोड़ा बेसिक नहीं, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन कौन सा था कंप्यूटर का? मैथ लगा मुझे, क्योंकि कैलकुलेटिंग था तो टाइम लग गया, और इसके आंसर्स भी नहीं आ रहे थे। मैनेजमेंट की? अच्छा, मैनेजमेंट तो बेसिक नहीं आ रहा है सर। अच्छा। मतलब कि वहाँ पे अपने हिसाब से, नेचर के हिसाब से वो आंसर लगाना पड़ रहा है, मतलब जो बिहेवियर होता है ना मैनेजमेंट जो प्रबंधकों का, तो इसी टाइप से आ रहा है। मैथ्स में क्या था आपको क्वेश्चन आया? सर मैथ्स में CISI बहुत कैलकुलेटिव था। हाँ, समय लग रहा था। लैब में हाईएस्ट आपकी है ना? जी सर, वो इन्विजिलेटर तो यही बता रहे थे सर। तो आपका टेस्ट पेपर देते थे कितने मार्क्स? जी सर, तो टेस्ट पेपर में तो ज़्यादा आ जाते थे, 140 प्लस ही आता था, बट आज थोड़ा कम रहा। अच्छा, थोड़ा कम गया। हाँ, इसलिए। तो कितने मंथ की तैयारी आपकी पटवारी? क्या सर? कितने मंथ की तैयारी थी पटवारी की आपकी? मेरी 2 से 3 मंथ्स। ठीक है, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। मैम कितना स्कोर है? 110। थोड़ा सा क्या नाम सुनना आपको? अनीता मौर्य। कहाँ से बिलोंग करते हो? धार डिस्ट्रिक्ट। तो बताइए मैथ्स किस प्रकार का पूछ रही? मैथ्स का तो ज़्यादा नहीं बता सकती, क्योंकि मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई टाइम में। और रीजनिंग? रीजनिंग तो ठीक थी। और हिंदी में अलंकार थोड़ा डीप में आ रहा है। अच्छा, अलंकार वाली। और इंग्लिश कैसे पूछे? इंग्लिश भी ठीक थी। मैम आपने कितना स्कोर किया? मैम कितना स्कोर किया? 97। मैम आपने कितना स्कोर किया? मैम आपने कितना स्कोर किया? बहुत कम रहा मेरा। मैम आपने कितना स्कोर किया? यस सर। कितना स्कोर किया आपने? 70+। 70+। रोक देना थोड़ा। कितना स्कोर? 68। ठीक है, चालू कर दो। मैम आपका कितना स्कोर रहा? 68। पेपर कैसा था? भैया स्कोर कितना रहा? स्कोर कितना रहा? नंबर कितने आया? अरे मैं अभी थोड़ी ले। अच्छा मैम आपका कितना स्कोर रहा? चलो रोक दो। तो देखा जाए तो आज का हाईएस्ट स्कोर है 131 हाईएस्ट है, फिर 130 हाईएस्ट था, और थोड़ा सा मैथ्स कैलकुलेटर पूछा गया है जिसमें CI और SI के क्वेश्चन कैलकुलेटर थे, और रीजनिंग थोड़ा सा रीजनिंग वो सब पोर्शन सेक्शन के सरल आ रहा है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।